नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अर्जुन सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आपको शिलाजीत बटी गोलियां बनाने का तरीका बताने वाला हूं। ये दवा उन भाइयों के लिए है जिनके लिंग में ठीक से तनाव नहीं आ पाता या कुछ ही सेकंड में उनका वीर्य बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अपने ऐसे ही भाइयों के लिए आज मैं आपको शिलाजीत वटी गोलियां बना करके दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। इसके कुछ ही दिन इस्तेमाल से दोस्तों लिंग में भरपूर तनाव आता है, सेक्स की इच्छा बढ़ती है और टाइमिंग भी इससे काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर कोई मेरा भाई इस समस्या से परेशान है तो वो एक बार इन गोलियों का इस्तेमाल जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसे बनाने का तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आपने 10 ग्राम शिलाजीत ले लेना है, अच्छी क्वालिटी का। अब 6 ग्राम आपने केसर लेना है, 5 ग्राम आपने लौंग लेनी है और 5 ग्राम हरी इलायची के बीज लेने हैं, 10 ग्राम आपने प्याज के बीज लेने हैं, 10 ग्राम आपने अकरकरा ईरानी लेना है, 1 ग्राम आपने कस्तूरी लेनी है और 10 ग्राम आपने मूली के बीज लेने हैं। अब इन सभी जड़ी बूटियों का दोस्तों आपने बारीक पाउडर तैयार कर लेना है शिलाजीत को छोड़कर, और जब आपका ये पाउडर तैयार हो जाए आपने इस पाउडर को एक खरल में डाल लेना है। अब अगर आपका शिलाजीत सॉलिड है तो आप इसी में उसे तोड़ लें, या आपका शिलाजीत अगर मुलायम है तो आपने उसे छोटे छोटे टुकड़े करके इसी पाउडर में डाल देना है। अब दोस्तों आपने इस दवा को तब तक रगड़ना है जब तक वो शिलाजीत इस पाउडर में अच्छी तरह से मिलके पाउडर ना बन जाए। और जैसे ही दोस्तों आपका शिलाजीत पाउडर बन जाए, आपने अब इस दवा में भस्म डालनी है। आपने इसमें 7 ग्राम चांदी भस्म डालना है, 7 ग्राम लोह भस्म डालनी है, 10 ग्राम त्रिवंग भस्म डालनी है, 2 ग्राम आपने इसमें संख्या का जौहर डालना है और 5 ग्राम इसमें आपने रस सिंदूर डालना है। अब सभी भस्में दोस्तों खरल में डालने के बाद आपने कुछ देर रगड़ लेना है। उसके बाद आपने खरल में शहद डाल करके इस दवा का लूदा बना लेना है और इसकी आपने गोलियां बना लेनी है। गोली का साइज ये आप देख रहे हैं, ये अपने छोटी मटर के दाने के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है और इन्हें सुखा लेना है। और सूखने के बाद दोस्तों आप इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पहले भी ये फॉर्मूला हमने काफी मरीजों पे इस्तेमाल कराया है और इसका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा होता है। तो कोई भी मेरा भाई अगर इस समस्या से परेशान है तो वो एक बार हमारा बताया गया नुस्खा जरूर इस्तेमाल करे और कुछ ही दिन में आप देखोगे आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।